असल फ्रेंड्स वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल जहाँ हम आपके लिए ले आए हैं आपका फेवरेट नावल खाली सी रिटम बरम शाह मुख्तार पार टू जिसका आपको यकीन बेसब्री से इंसार था तो फिर देख किस बात की चलते हैं नावल की तरफ मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलें तो चलते हैं नावल की तरफ बरूच दूसरी तरफ जाती घंटी की आवाज़ सुनता फोन कान से लगाए अभी भी टेरिस पर खड़ा था बादल छट चुके थे और टिमटमाते तारों से सजावसी आसमान साफ था हेलो ए पीस में गंभीर मर्दाना आवाज़ उभरी हेलो बैरत कैसा है कुछ देर पहले एनसी के सामने महसूस की जाने वाली शर्मंदगी का असर अभी बाकी था तभी तो छूटते ही उसी का अंदाजे तखातम अपनाया मैं बिल्कुल ठीक महा बेरत तो सुना हारिस कहाँ पीछे रहने वाला था फ़ौर ही हिसाब बेबाक कर डाला तूने एन सी से क्या बकवास किया हारिस के बच्चे कभी तो लाज रख लिया कर दाँत पीसते उसे लताड़ा यार तुझे बुरा लगा है तो भाई माजरत हारिस ने दोनों कानों को हाथ लगाए बाकी तो मेरे बच्चे पर मुंहसर है कि वो चाचा बरूज के लाज पर लाभामंद होगा या नहीं एक दफा फिर से भरपूर बेशर्मी का मजाहरा किया गया आखिर खासा थी साथ ही एयरपीस में उसकी खी -खी की आवाज गूंजी बरूज का दिल चाह फोन के अंदर से ही मुक्का मार कर उसकी बत्ती सी तोड़ दे इसीलिए अगले ही पल अपनी ख्वाहिश का बरमना इजहार भी कर दिया दिल तो कर रहा है कि तेरा जबड़ा तोड़ दू और तुझे बड़ा शौक हो रहा है बच्चों का भाभी अभी तुझे घास तक डालने को तैयार नहीं है और मियाँ जी बच्चों के ख्वाब सजाए बैठे हैं उसकी कैफियत का तमस्कर उड़ाते उसकी दुखती रख पर हाथ धरा तो वो बिलबिला उठा हाय कसम से बड़ी ही कोई बेमुर लड़की है कहती है कि छोड़कर खुद चले जाओगे और बैठ तुम्हारे इंतज़ार में बेदर्दी बालमा सुना करूँगी मुझे नहीं करनी शादी कैप्टन हारिस ने निस्वानी आवाज़ निकाल कर अपनी मंगी तक की नकल उतारी तो बरूज बेला इख्तियार उमड़ आने वाले फलक शगाफ़ कहके को रोक ना सका कमीने में अपना दर्द दिल बयान कर रहा हूँ और तू बेशर्म मेरे ज़ख्मों पर नमक पाशी कर रहा है हाय मुझ गरीब का भी कोई पुरस्ान हाल नहीं कोई गमुसार नहीं हारिस ने मसनु आँह भरते दुहाई दी पहले तो तू ये घुनी मीसी हीरोइनों की तरह आहें भरना कर भाई जनाना जनाना फीलिंग आने लगती है बरूज ने कहते हुए मुंह बस रहा। और ये तो बता कि आजकल किधर गायब है ईद का चांदी हो गया तू तो एक हाथ से माथे पर बिखरे बाल सवारे मगर हवा फिर से छेड़खानी करती उन्हें बिखेर गई कराची आया हूँ छुट्टी पर इस्लामाबाद की सरजमीन पर कदम धरते ही पहली फुर्सत में तेरी दहलीज पर हाजिरी लगाऊंगा बस तू तो दुआ करके मेरी मंगेतर तेरी भाभी बनने के लिए रजामंद हो जाए वो शोकी से कहता आखिर में अल्तजाया बोला तो बरूज के मुंह से बेला इरादा ही आमीन निकलामीन चल फिर बात होगी ख्याल रखियो मिलते हैं हारिस भी सबके दिल से आमीन कहता फोन काट गया इसका भी कोई हाल नहीं फोन जेब में रखते वो सर झटकता मुस्कराया था अरे रानिया उधर क्यों खड़ी हो अंदर क्यों नहीं आई मुलाजमत से पूछने पर पता चला था कि वो लॉन में ही फलक का इंतजार कर रही है इसीलिए फलक उधर ही चली आई हाँ आ, बस मैं भूल गई थी कि तुम्हारे गेस्ट आ रहे हैं आई एम सॉरी वो एक्चुअली मेरे नोट्स हमारे पास रह गए थे तो मुझे असाइनमेंट बनाना था अर्जेंट ना होता तो मैं कभी डिस्टर्ब ना करती वो बिला वजह ही खजर होती वजाहत देने लगी ओ यस मेरे पास ही रह गए होंगे फलक ही याद करते यकीन दहानी कराई तो मुझे कॉल कर दी थी, मैं पीए के हाथ भिजवा देती बिलावर तुमने जहमत की खैर आम अंदर चलो फलक ने मेजबानी के फ़रइज़ निभाते उसे दिली पेशकश की नहीं नहीं बस तुम यहीं ला दो अच्छा नहीं लगता तुम्हारे गेस्ट आए हैं और मैं यूँ वह उठाएं अंदर चली आऊँ रानिया ने जल्दी से इनकार किया वो वाकई अपने भुलक्कड़पन की वजह से आज निदामत महसूस कर रही थी शर्म तो नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए फलक ने उसे खशम निगाहों से घूरा तो वो लप काटने लगी तभी अबीरा साहब भी उनके ताको में चली आई नूरे क्या आपने तायबा की तरह अपनी फ्रेंड को भी गेट पर रोक लिया है वो मुस्कुराती हुई उनके यूं बाहर खड़े रहने पर तंज करती बोली रानिया ने खुश अखलाके से सलाम किया जिसका उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया मॉम मैं इसे कह रही हूँ अंदर आए बटी बिलाव जी की फोटेज दिखा रही है कहती है मुझे शर्म आती है अच्छा नहीं लगता फलक ने बाया हाथ हवा में जाते उसकी नकल उतारी क्यों बेटा आपका अपना घर है अंदर आओ हम अभी डिनर कर रहे हैं कम ज्वाइन वो खुलूस से कहती उसे अपने साथ अंदर ले आई उसकी नाना के बावजूद भी फलक या अबीरा ने उसकी एक ना सुनी और डाइनिंग टेबल पर जगा दी अस्सलाम वालेकुम रानिया ने इज्तमाही सलाम करते एक उछट्टी ने कहा हाजरीन पर डाली और फलक के साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गई एक फितरी झिझक ने उसका आहता किया हुआ था वालेकुम अस्सलाम पुरशफकत लहजे में फरहत और अशफाक ने मुस्करा जवाब दिया जबकि इब्तिसाम ने नजरें उठाकर एक पल को उसे देखा नजरें मिली और फिर बिछड़ गईं। ये खेल चंद पल पर मुहित था और ये चंद पल भी नूए फलक की निगाहों से मख्फी रहे मगर वो बज़ाहिर चेहरे की तासुरात नॉर्मल रखे मुस्कुरा कर रानिया को डिशेस पेश करने लगी जिसमें से बमुश्किल ही उसने कुछ अपनी प्लेट में निकाला होगा डिनर के बाद फारिग होकर वो फलक उसके बेडरूम में चली आई चलो अब नोट से दो तो। मैं जाऊं इतनी देर हो गई है मुझे आए हुए रिस्ट वॉच पर निगाह डालती वो उजरत में बोली गोया ट्रेन मिस होने वाली हो यार तुम इतना क्यों एक्ट करने लगती हो कभी कभी आराम से भी बैठो फलक ने उसे घिरकते हुए वापस बैठाया जो उठ खड़ी हुई थी प्लीज फलक तुम जानती हो लेट हुई तो मॉम कितना डरती हैं मैंने तो उन्हें बताया भी नहीं कि मैं बाहर जा रही हूँ वो बौखलाई हुई बोली फोन पर उसकी मॉम की कॉल आ रही थी अच्छा बाबा ये लो। फलक ने उसकी जल्दी जल्दी की रट सुनते नोट्स उसके हवाले किए ओके बाय कल मिलते हैं यूनिवर्सिटी में उसके गले लग कर वो कमरे से निकल गई फलक अच्छी मेजबान का मुजाहरा करती उसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी वो रविश पर जल्दी गेट से बाहर निकल गई तो फलक भी पलट किनारे पार्क अपनी गाड़ी से अभी चंद कदम के फासले पर ही थी कि, कि किसी नफ्स को अपनी गाड़ी के साथ टेक लगा कर खड़ा देख कर ठिटक कर रुक गई उस गोशे में अंधेरा होने की वजह से उसका घबराना फितरी था उसने वहीं खड़े खड़े आंखें सुकेर कर देखा मगर पहचान न पाई कहा जा रहे हो फरहत साहिबा ने इब्तिसाम को दबी पाऊ बाहर की जाने खिसकते देखा तो धीमी आवाज में पूछ बैठी वो मेरा सैलून शायद गाड़ी में रह गया है मैं लेकर आता हूँ उसने बहाना घर थे जेब टटोलने की अदाकारी की ओके फरहत सर हिला दी वापिस बातों में मसरूफ हो गई और इब्तिसाम खामोशी से बाहर निकल आया फलक और रानिया फलक के कमरे में थी उमीन की गेट करता बाहर सड़क पर आया सड़क के दोनों तरफ एक कतार में बंगले थे अंधेरा फैल चुका था वो खामोशी से कदम उठाता रानी की गाड़ी से टीक लगाकर घर के गेट को देखता इंतजार करने लगा इंतजार की ये लम्हे बड़ी सुसरवी से गुजर रहे थे मुंतजर निगाहें बार बार गेट की जानब उठती फिर वापस पलट आती कि नाम मुनादी नसीब था मगर कुछ ही देर बाद वो गेट से निकलती दिखाई दी वो सर छुकाए अपनी धुन में आ रही थी कि उस पर निगाह पड़ते ही ठिटक कर रुक गई स्ट्रीट लाइट की जर्द रोशी में भी उसके चेहरे पर छाई गैर शनासाई और हैरानगी वो देख चुका था मगर जिस गोशे में वो खड़ा था यहाँ कदरे अंधेरा और सन्नाटा था वो वहीं ठहरी आंखें से कोड़े अजनबी निगाहों से उसे देख रही थी उसकी हालत के पेश नज़र वो सीधा हुआ तो जर्द में उसका चेहरा वाजे हुआ आंखों में शनासा की नमक उभरी और वो रिलैक्स होती उसके करीब चली आई हेलो रानिया हाउ आर यू गंभीर आवाज में कहता वो उसके चेहरे को निगाहों के हल्के में ले चुका था हेलो आई एम फाइन तुम कैसे हो में वो भी मुस्कुराती परफेक्ट एक लफ्जी जवाब आया दोनों के दरमियान चंद पर खामोशी छा गई रानिया लब का कोना दांतों तले दबाती सरसरी सा घरों की जानब देखने लगी अब वो पुरशोक से उसे उसे तकने लगा क्लब नहीं आती तुम चंद पलों के सुकूत को उसकी धीमी आवाज़ ने तोड़ा वो सर उठा कर उसे देखने लगी मेरे मॉम डैड अब्रॉड गए थे फ्री थी तो इसलिए क्लब आ जाती थी कुछ टाइम स्पेंड करने मैं रेगुलर विजिटर नहीं हूँ कंधे उछकाते साफ कोई से कहा इकतसाम ने ओ वाले अंदाज में होठ सिकोड़े फिर चंद नम्हे बाद गोया हुआ कॉफ़ी पीने चले किसी दिन अब मिलने के लिए कोई जगह तो ढूंढनी थी ना सो ये बहाना ही सही वो उनके माँ मौजूद इस बेनाम रिश्ते को कोई नाम देना चाहता था जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था जिसका एतराफ़ उन दोनों ने खुद से भी नहीं किया था मगर नाम निहाद कॉफी डेट पर वो इस रिश्ते को नाम देने की खातिर अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस करना चाहता था शव मुस्कराते हुए रजामंदी दी तो वो भी खिलखिला उठा ओके okay, मैं चलती हूँ बाय ठीक है वो सिरे से कहती उसके पास से गुजर कर गाड़ी तक आई डोर इन लॉक किया फिर ठहरी पलट कर उसे देखा जो जम कर खड़ा उसे ही देख रहा था तुम बहुत अच्छे हो किसी की भी पसंद हो सकते हो बस ड्रिंक ना करो तो वो मुस्करा कर कहती जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर अंदर बैठ गई जबकि इब्ताम ने ना समझी से उसे देखा चंद पर तो वो जुमले की साख पर गौर करता रहा फिर धीरे धीरे अल्फाज जहन में जजब हुए तो लबों पर बिलाख्तियार ही तबस्म बिखर गया यानी वो उसे उम्मीद की डोर का एक सिरा थमा गई थी मगर जवाब उन सुने बगैर ही तेजी से गाड़ी रिवर्स करते गाड़ी सड़क पर डाल दी तुम कहो तो दुनिया भी छोड़ दो ड्रिंक तो बहुत छोटी चीज है वो सीने पर हाथ रख कर जरा सा झुकता मुस्कुराया था जा चुकी है वो इब्तान जेबों में हाथ फंसाए सड़क के एन वस्त्र में खड़ा उसकी गाड़ी को देख रहा था जो सीधी सड़क पर लम्हा लम्हा दूर होती जा रही थी उसकी पीछे की लाइट्स महज सुर्ख नुकते जितनी रहती अब नजरों से ओझल हो गई थी जब अपने अकब से आती निस्वानी आवाज पर चौक कर फलक सीने पर हाथ बांधे कुछ फासले पर खड़ी बिना पलके झपके तीखे चतूरों से उसे घूर रही थी क्या मुझसे कुछ कहा इब्तिसाम ने अपने सीने पर अंगूठा रखते ख़ुद की जानिब इशारा किया दूसरा हाथ अभी भी जेब में था आई गेस हमारे अलावा यहाँ कोई और नहीं है क्या ख्याल है हु? अतराफ में मतलाशी नजरें दौड़ाती वो उसके करीब आई क्यों क्यों इब्तिसाम झंझुआ मेरी फ्रेंड में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो नखुत से कहते अब का अंदाज सरासर जलाने वाला था तुमसे मतलब नूरे उस भी उसके सामने तनक कर खड़ा हो गया लबों पर जहरीली मुस्कराहट उभरी। वो जानता था कि उसका अगला डायलॉग क्या होगा डोंट कॉल मी दैट मेरा नाम फलक है माइंडेड अंगेज ने शहादत उसकी जानब उठा दी वो चबा चबाकर बोली किसी को भी इजाजत नहीं थी कि उसे नूरे पुकारे सिवाय तीनों के उसके पेरेंट्स और एक वो उसको भी तैश में उसने मना कर दिया था और अब छह साल बीत गए थे पता नहीं उसका गुस्सा वैसा ही था या फिर वो उसकी बदतमीजी भूल चुका था इब्तिज़ाम ने एक नजर उसकी अंगिश्त को देखा और अगले ही लम्हे उसकी उंगली हाथ में दबोचते मरोड़ दी दर्द की एक तेज लहर उसके बदन में सरायत कर गई वो दर्द से कराह उठी यू ब्लडी छोड़ में रहा दर्द से दोहरी होती वो उसके बाजू पर अपना दूसरे हाथ से मुख्य बरसाने लगी वो उसकी सिचुएशन को पूरे तरीके से एंजॉय कर रहा था शैतानी मुस्कुराहट लमह पर रेंग रही थी मज़ा आया फलक ने एक जहर खन निगाह उस पर डाली और नहीं पल बिल्ली की तरह उस पर झपटते उसके गाल पर अपने नाखून मारे इकतसाम ने झटके से उसका हाथ छोड़ा फलक के नाखून उसके गाल पर बहुत जोर से रगड़े गए थे वो अपने गाल पर हाथ रखता कराह हा। अभी वो समना भी ना था कि फलक ने अपना पाँव जोर से उसके पाव पर मारा और पलट कर घर की तरफ दौड़ लगा दी भी उसके पीछे लपका मगर वो मुड़कर उसे मुंह चढ़ाती अंदर भाग गई तुम्हें तो मैं बताऊंगा फलक बीबी हिसाब दोगी एक दिन तुम हर चीज का गाल पर हाथ रखे वो दिल में तहिया करता उसके पीछे पीछे अंदर आया जहाँ वो बड़े मजे से उसके बाप के साथ लगी बैठी थी उसे देखकर कर मायने खेजी से मुस्कुराई फिर सबसे नजर बचाकर कर जबान चढ़ाई तो वो खा जाने वाले अंदाज में उसे घूरता खुद के गुस्से पर काबू पाता सामने सोफे पर आ बैठा अरे इब्तिसाम कहाँ चले गए थे बेटा ये लो अबीरा साहिबा ने उसकी गैर मौजूदगी की, की बाबत सवाल करते उससे आइसक्रीम का बाउल थमाया थैंक्स रूखी से अंदाज़ में कहता वो फीका सा मुस्करा दिया शुक्र था उसकी गाल पर किसी की नज़र नहीं पड़ी ताया अबा आज तो मज़ा ही आ गया कसम से आप प्लीज रोज़ाना आ जाया करें ना सब को लेकर फिर रोज़ाना एंजॉय क्या करेंगे लफ्ज़ सब पर जोर दे दी वो जो मायने अल्फाज में दरअसल इब्ताम को चढ़ा रही थी भाई मेरा बेटा रोज़ाना आ जाया करेगा मेरे पास मैं तो बिजी होता हूँ रोज रोज़ तो नहीं आ सकता ना उसका गाल थपक कर उसका सर अपने कंधे से लगाया जबकि इब्ताम सर तपा भुनाता हुआ आइसक्रीम में चम्मच हिला रहा था साथ साथ एक सुलगती निगाह उस पर भी डाल लेता जो मज़े से सबसे बातें करती उस पर तंज के पोशीदा निश्तर बरसा रही थी आखिरकार बाऊ मेज पर पड़क दिया कि आइसक्रीम तो सारी पिघल गई थी खुद को मसरूफ़ दिखाने की खातिर उसने फोन निकाल लिया बज़ाहिर तो वो फोन में महव नजर आ रहा था मगर दर हकीकत समाते पूरी तरह से उस चलाकू मासी की आवाज पर थी जो जान बुझ कर बुलंद बोलती उसे मुतव कर रही थी इस्लाबाद से करीब नौ किलोमीटर की मुसाफत पर पी सोहा रोड पर वाकई ये खूबसूरत होटल मनाल कहलाता है इस होटल की सबसे खास बात इसकी मुंफरद लोकेशन है जहाँ आप खड़े होकर पूरे इस्लाम का शानदार नजारा कर सकते हैं और अतराफ में सरसबाद हरियाली के बीचों बीच खड़े होकर दूर नजर आती पहाड़ियों का नजारा अपनी शहर में कैद करने की सिलाहियत रखता है ऊपर से अगर मौसम हो गर्मी का और वक्त हो रात का तो यहाँ बैठ कर ठंडी हवा को महसूस करने के साथ साथ लजीज खानों से लुफ होने का अपना ही मजा है आज इतवार था और चुनार ए पी एस मरी के एक्स स्टूडेंट्स अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ जमा हुए थे और इस सब का सहरा यकीनन दानियाल के सर सर्थ सजता था जिसे मेहनत से सब भूले भटकों को तलाशा फिर जमा किया और नतीजतन जो जो अपनी हाजिरी लगवा सकता था वो यहाँ मौजूद था फलक भीरानिया के इसरार पर आज आने पर रजामंद हो गई थी करीब आठ से दस लोगों का ये ग्रुप जिनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल थे स्कूल लाइफ से एक दूसरे को जानते थे कुछ सीनियर थे तो कुछ जूनियर सबका ताल्लुक मिलिट्री फैमिली से था तो कभी किसी एयर शो या किसी परेड या किसी और तरह के फंक्शन में कोई ना कोई मिल ही जाता था फलक अभी पहुंची थी अबीरा साहबा की ताकीद करने के बावजूद भी वो ड्राइवर को हमरा नहीं लाई थी वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अंदर की जानेब आई वह अपने ध्यान में चल रही थी जब एक शख्स बर्क रफ्तारी से उसके पास से गुजरता जबरदस्त तरीके से उससे टकराया इस अचानक उताद पर वह तकरीबन रुकू की तरह सामने को गिरती गिरती बची खुद को तो संभाल लिया मगर हाथ में थामा फोन ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा उसने सीधे होकर एक तेज नज़र उस शख्स पर डाली जो हवास बाख्तर दिखाई दे रहा था मुकाबिल की उम्र का लिहाज रखते ब मुश्किल खुद को कुछ सख्त कहने से रोका और झुक अपना फोन उठाया और झुक कर अपना फोन उठाया फोन की स्क्रीन किची किची हो गई थी अपने नेवल टेस्ट आईफोन की बेकदरी पर तैश की एक तेज लहर उसके अंदर उठी वो गुस्से से उसके शख्स की जान पलटी हैरत का झटका तो तब लगा जब जगह खाली देखी उसने मुतलाशी निगाहें इधर उधर दौड़ाई पर वो किसी छलावे की मानंद गायब हो चुका था फोन दगा कर गया था मुताद ही रही पाव जमीन पर पटका मूड का सत्यानाश हो चुका था दिल तो चाह यहीं से वापस लौट जाए मगर फिर रानिया का ख्याल आया तो अपना इरादा तर्क कर के जीनों तरने लगी कुछ फासले पर ही उसे रानिया वगैरह नजर आ गए थे सफ़ेद कैपरी के साथ सफ़ेद कुर्ता जिस पर नफीस सी ब्लू एम्ब्रॉयडरी हुई थी कानों में सफ़ेद पर्ल्स और गले में सादा सी चेन जिसमें एक खूबसूरत सा ब्लू डायमंड पेंडेंट था सीधी मांग निकाल कर भाग खुले छोड़े गए थे हल्के से मेकअप के साथ वो बहुत डिसेंट लग रही थी मस्तीम मेज जिसके गिरद बारह कुर्सियाँ लगी थी अब सिर्फ दो ही खाली थीं वो सहज सहज कर कदम उठाते उनकी तक पहुंची ओ फलक इज रानिया की उस पर नजर पड़ी तो उठ खड़ी हुई बाकी सब भी उसकी तरफ हुए हे hey मुतवीबडी वो धीमी मुस्कान के साथ सबको मुखातब करती खाली कुर्सी घसीट कर बैठ गई अब सिर्फ उसकी दाए जानेब की एक कुर्सी खाली पड़ी थी रानिया उसके एह सामने वाली नशिस्त पर बैठी थी उसकी बाएँ जानब जोहा फिर दानियाल थे उसे एक तायराना ने कहा हाजिम पर डाली फिर रुक रुक कर हर एक का चेहरा दिखा सब जाने पहचाने लगे बड़े हो गए थे पर नैन नक्श को देखकर कर जहन में पुरानी छवि उतर आती थी मगर इनमें वो कहीं नहीं था या वो उसे पहचान नहीं पा रही थी अपनी तसल्ली के लिए वो फिर से हर एक को देखती उनके नाम जेरे लब दोहराने लगी जो थोड़ी से तरज के बाद उसे याद आ ही गए थे तो यानी वो नहीं आया था थैंक यू फलक तुमाई मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी

तो नजरअंदाज करती दानियान की बात सुनने लगी वैसे मिस फलक क्या वो आपका फ्रेंड बुरुज नहीं आ रहा जो हमेशा बड़ा पॉजिटिव सा रहता था आपको लेकर आखिर को हम सब फेयरवेल वाला दिन कैसे भूल सकते हैं क्यों दोस्तों याद है ना अरिश्मा या एजे स्टाइल की फीमेल वर्जन कह लो कि हेर स्टाइल बिल्कुल उस जैसा था और अगर उसकी दाढ़ी हटा दी जाए तो बिल्कुल अरिशमा बन जाए दान्यान ने तनजन कहते उसे छेड़ा फिर सबकी ताई चाहिए तो सब हंसने लगे सिवाय फलक और रानिया के मेरा ऐसा कोई फ्रेंड मुझे नहीं याद चबा चबा कर अल्फाज उसके मुंह पर मारने के से अंदाज में कहते उसने एक तेज नजर उस पर डालकर चेहरा मोड़ लिया खुशगवार माहौल में काफूर की बू रच गई उसका दिल मजीद हर शह से उचाट हो गया अरिष्मा इस अहानत आमिज रवैये पर हद तक महसूस करती कान की लो तक सुर्ख गई फलक के इस मघरूर रवैये और साफ साफगोई की बदौलत ही इसके बहुत से मखालिफ थे जो यकीन उससे चलते भी थे इसीलिए उस पर तंसबाजी का कोई मौका हासिल जाने ना दिया जाता तभी उसके दोस्त हाल का इंतहा मुख्तर था वाह क्या अंदाज बे न्याजी है अरिश्मा के साथ बैठे वकास ने उसके अंदाज को देखते बिलाख्तियार ही कहा तो अरिशमा उसे घूर कर रह गई हेलो एवरीबॉडी क्या मुझे डिस्कस किया जा रहा है अभी अरिश मजीद आग लगाने की तैयारियों में थी कि गंभीर आवाज ने सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया अरे बरूज मुझे लगा तुम नहीं आओगे रानिया ने खुश दिली का मज़ाहरा करते सामने इस तादा शख्स को मुस्कुरा कर खुश कहा वेलकम ब्रदर कम जॉइन अस दानियाल ने भी खैर मुकदमी अंदाज अपना कर उसे बैठने की दावत दी थैंक्स

जो इन सबसे लातालु की बरतती दानिशा नजरें फेर कर बाएं जाने देखने लगी थी आहा सही वो धीरे से हंसा फल की पूरी जमातें उस तरफ मुतवज्जा थी मगर रोख दूसरी जानब था उसके कपड़ों से उठती परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू उसके नथनों से टकराती पूरे वजूद का अहा कर रही थी बैकग्राउंड में चलती मौसीकी की धुन हवा की पालकी पर बैठकर झोंकों के संग फिजा में बिखर रही थी खुशबू से मोत्तर बाद सबा इस धुन में पोशीदा अलिफ लैला दास को बड़े गौर से सुनती किस्मत के साथ राजो में थी मरगला की देव रही थीं कि कहीं वक्त से पहले दिलों में दफन राज राजा हो जाए वो फोन पर कोई कॉल सुनता इन सब से एक्सक्यूज करके बाय जाने ब्रीलिंग के करीब आ खड़ा हुआ यहाँ से रोशनी में नहाया पूरा इस्लामाबाद नजर आता था फलक ने गन अखियों से उसे देखा ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने कब जरा से ऊपर को फोल्ड कर रखे थे और माई कलाई पर ब्रांडेड खड़ी बंदी थी वो पूरे का पूरा वजहत का शाहकार था मगर उसका चेहरा दूसरी जानब था फलक व्हाट हैपन मूड तो सही कर लो रानिया न जाने कब उसके साथ आ बैठी थी और अब उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे मुतवजा करते चेहरे को नॉर्मल रखने का कह रही थी जिस पर अजली बिजारी छाई थी फलक उसकी तरफ मुड़ती सरगोशिया अंदाज में सब ठीक है कहती दी दैट्स गर्ल रानिया ने उसके कंधे पर की। वैसे बहुत लग रही हो ये रंग भाई क्या इतफाक है बाय द वे जिस जगह रानिया बैठी थी वहां से फलक और कुछ फासले पर खड़ा बरूज एक ही फ्रेम में नजर आ रहे थे तभी आगे मटकाते ध्यान दिलाया क्या मतलब फलक वाकई नहीं समझी थी नथिंग माई डियर वो अपनी हंसी जब्त करती सीधी होकर बैठ गई गोया फलक अगर उसकी बात का मफहूम समझ जाती तो यकीन उसके सर पर एक बाल नहीं छोड़ना था बरूज वापस आ चुका था उसे देखकर कर रानियाँ उठने लगी मगर वो उसे बैठे रहने का कहकर उसकी जगह पर बैठ गया यूं अब फलक और बरूज दोनों एक दूसरे के मुकाबले थे वेटर्स खाना सर्व करके जा चुके थे अपनी प्लेट में फ्राइड राइस निकालते फलक ने ज़रा की जरा निगाह उस पर डाली जो पहले से ही उसे देख रहा था फलक के देखने पर गैर महसूस तरीके से निगाहों का जाविया बदल लिया मगर फलक नजरें न हटा सकी एक नया इंकशाफ जो हुआ था यह तो वही था जिसकी गाड़ी को उसने टक्कर मारी थी तो यानी वो उसके सदा बदतमीज़ होने का गवाह था तभी तो उसे ताना मार गया वो सलीके से अपना नैपकिन तह करके गोद में रख रहा था उसने दोबारा एक निगाह गलत भी इस खुद से लड़की पर नहीं डाली थी वो कहते हैं ना कि जब इंसान ख़ुद को किसी गैर गैरमतव चीज़ के लिए तैयार रखता है तो अक्सर अजीब चीज़ें वक् पजीर होती हैं मगर नूर फलक के वहम गुमान में भी ना था कि जिसे देखने की खातिर वो इतने अरसे से बेचैन है वो शख़्स पहले ही उसकी नज़रों के सामने से गुज़र चुका था बस वही पहचान ना सकी वो खुद की बहकती सोचों को एक जगह रखने की कोशिश करती पूरी तरह से खाने की तरफ मुतवजा हुई मगर बरूज की बेनियाजी उसे रह रहकर खल रही थी तभी वो जल्दी ही वहाँ से उठ गई अलबत् इन दो सिया आँखों ने तहद नज़र उसका ताकुब किया था यकीनन अगर वो मुड़कर देख लेती तो चोरी पकड़ी जाती मगर मसला ही यही था कि उसे एक दफ़ा भी मुड़कर नहीं देखा और पार्किंग से गाड़ी निकाल कर सड़क पर डाल ली साढ़े नौ बज चुके थे चारों ओर फैल चुका था मुनाल से इस्लामाबाद तक आने के लिए उस रनवे रोड पर कहीं दोनों जानब खाईयां थीं, तो कहीं एक जानब खाई और दूसरी जानब पहाड़ रास्ते में कहीं कहीं हमवार जगह भी थी मगर वहां घने दरख्तों ने साया कर रखा था यानी जंगल था बरूज का रवैया याद करती वो आहिस्सा स्पीड में संभल कर गाड़ी चला रही थी अभी करीब दो किलोमीटर ही सफ़र किया होगा कि आहिस्ा आहिस्ा गाड़ी ने मसला करना शुरू कर दिया उसने रफ्तार में मजीद कमी कर दी मगर एक जगह से उतराई पर गाड़ी बाकायदा डोली उसने जल्दी से ब्रेक लगाई दरवाज़ा खोल कर नीचे उतरी स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में उसे पंक्चर टायर नजर आ गया शिट अब क्या करूँ ही बौखला कर इधर उधर देखने लगी वो जंगल के बीचों बीच उस सड़क पर अकेली खड़ी थी यूं ही सरसरी नज़र बाकी टायर्स पर डाली तो हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया चारों के चारों टायर पंक्चर थे ये कैसा इतफाक था नामुमकिन पैरों के बल उकड़ू बैठ कर उसने वॉल्व पर हाथ रखा तो मालूम हुआ कि वॉल्व ही नहीं है एक के बाद एक चारों टायरों के वॉल्व चेक किए मगर चारों के चारों ग़ायब थे खौफ की लहर उसके अंदर सरायत कर गई इस वक्त कोई गाड़ी भी नहीं गुज़र रही थी कॉल करने के लिए डैशबोर्ड से फ़ोन उठाया फिर याद आया कि वो तो पहले ही दागा कर चुका था या ला मैं क्या करूं? आयतल कुर्सी का व्रत करती वो बेबसी से ऊपर सर उठाकर आसमान को देखने लगी तभी उसने अपने अकब में टायरों की चरचराहट सुनी एक गाड़ी उससे कुछ फासी पर आकर रुक गई थी वो मुड़ी गाड़ी के की हेडलाइट्स की तेज रोशनी में उसकी आंखें चंदिया गईं। अपना पंजा आंखों के सामने फैलाकर उसने आंखें खोले रखने की कोशिश की जो कि नामुमकिन सा लगा तभी गाड़ी का फ्रंट डोर खोल एक शख्स बरामद हुआ वो चलता हुआ हेडलाइट्स के सामने आँख खड़ा हुआ यूं के तेज रोशनी उसके दाएं बाएं से शव की निकल रही थी फिर गाड़ी की हेडलाइट्स बुझ गईं। फलक ने मदद तलब निगाहों से आने वाली हसी को देखा जो उससे चंद कदम के फासले पर ठहर गया था फलक के चेहरे पर यकलक हवाइयाँ उड़ीं ये तो वही शख्स था जो रेस्टोरेंट में उसे टकराया था और अब यहाँ यह वाकई कोई इतफाक नहीं था बल्कि रची रचाई साजिश थी खौफ से उसकी आंखें फैल गईं, रीढ़ की हड्डी में सनसना हट उतरती महसूस हुई। मिस फलक हमदानी, जहरीले दार लहजे में आंखों में वहशत लिए, वो उसे देख कर फाते अंदाज से मुस्कुराया तो फलक को अपनी जान निकलती महसूस हुई कौन हो तुम हकलाते हुए हरासा निगाहों से उसे देखा मौत का फरिश्ता हूं उसने शैतानी कहका लगाया जबकि उसके अल्फाज की बासगश से, से, बास से फलक को अपना दिल अता गहराइयों में डूबता महसूस हुआ उसकी हालत से हज़ उठा दे उसने शैतानी कहका लगाया जबकि उसके अल्फाज की बासगश से फलक को अपना दिल अता गहराइयों में डूबता महसूस हुआ क्या चाहिए तुम्हें मकाबिल की आंखों में आंखें डालकर उसने खुद को बहादुर ज़ाहिर करने की एक बोधी सी कोशिश की तुम्हारी जान चाहिए वो अपनी निगाहें उसके सफेद पड़ते चेहरे पर गाड़े कदम कदम उसकी ओर पड़ने लगा फलक सिर से दो कदम पीछे हटी उसका चेहरा लट्ठे की मानन सफैद पड़ चुका था बेबसी से इधर उधर किसी मददगार की तलाश में देखा आंखों में नमी तैरने लगी थी कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने उस शख्स से एक जस्ट में उसकी कलाई अपने मजबूत शकंजे में दबोच कर झटका दिया तो वो कच्ची डाल की तरह उसकी गिरफ्त में आ गई छोड़ो मुझे मैंने कहा छोड़ो खुद खुद को छुड़वाने की सही करती वो जोर जोर से चिल्लाने लगी मुझे कोई बचाओ छोड़ो कोई है उसने बाबा ज बुलंद चिल्लाना शुरू कर दिया मगर कोई होता तो सुनता ना उसके अल्फाज बिरानी में घुसते हुए वापस उसी को सुनाई दे रहे थे यूसुफ क्या कर रहा है इसका मुंह बंद करवा गाड़ी में मौजूद उस शख्स का साथ ही फोन कान से लगाए उसे हिदायत दे रहा था जो कान में लगे ब्लूटूथ के जरिए उस शख्स तक पहुंच रही थी यूसुफ ने अपनी हथेली फलक के मुंह पर मजबूती से जमा दी उसकी चीखें उसके हलक में ही दम तोड़ गईं उसकी आवाज़ दब गई थी आवाज़ निकाली तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा उसके कान के पास सरगोशियाना अंदाज में धाड़ा वो माही बेआब की तरह उसकी गिरफ्त में मचल रही थी यूसुफ जल्दी से बेहोश कर कोई आ जाएगा गाड़ी में मौजूद उसकी सहूलतकार ने उसे खबरदार करते एक नजर गाड़ी से बाहर दौड़ाई जबकि यूसुफ उसे तड़पता देखकर महसूस हो रहा था फलक ने अपना इकलौता हथियार अपने नाखून पूरी ताकत के साथ उसके हाथ पर गाड़ दिए जिस पर वो बिलबिलाता हुआ उसके चेहरे से हाथ हटा गया उसने एक झटके से खुद को छुड़ाया और सर पर जंगल की तरफ दौड़ लगा दी कमीनी तू अब बच मुझसे वो गुस्से से बड़बड़ाता उसके पीछे दौड़ा ये कि क्या किया तूने? जल्दी से उसे पकड़ गाड़ी में बैठा शख्स लड़की को फरार होता देख कर बेचैन हुआ तुझसे तो एक लड़की काबू नहीं हुई लानत है तेरे ऊपर वो उस पर लानत मलामत करता बार बार पहलू बदल रहा था फलक अंधेरे में दौड़ती हुई एक चौड़े तनावर दरत के पीछे छुप गई उसका सांस धोखने के माने फूल रहा था पूरा बदन पसीने में शराब था या अल्लाह मेरी मदद कर वो दिल में रब को पुकारती तभी उसे करीब से कुछ चटकने की आवाज आई वो बिल्कुल साकत हो गई खौफ के मारे उसका पूरा बदन कप कप आ रहा था आंखों से गर्म सयाल लकड़ियों की मानन चेहरे पर फिसल रहे थे फलक बेटा कहाँ हो जल्दी से बाहर आ जाओ वो शख्स मुतलाशी नजरें दाएं बाएं डालता उसे पुकार रहा था देखो अगर अंकल को गुस्सा आ गया तो वो बहुत बुरा पेश आएंगे चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ क्या तुम्हें हाइरेंसी सीख खेलना है तो ठीक है फिर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा वो सब रवि से चलता दूर कहीं आस ही था उसके भारी बूटों के तले सूखे पत्तों की आवाज़ सकूत में अरताश पैदा कर रही थी तो गाड़ी आगे लिया मैं बस लाता हूँ लड़की को ब्लूटूथ पर हाथ रख कर गाड़ी में बैठे शख्स से कहा ठीक है मैं ढलांग के पास अंधेर में गाड़ी ला रहा हूँ जल्दी से काम निपटा वो कहता हुआ गाड़ी चला कर फलकी गाड़ी को क्रॉस करता आगे जा खड़ा हुआ यहाँ पर गाड़ी पर नज़र पड़ना आसान ना था कि उससे थोड़े फांसे पर एक और उतराई थी और उतराई को ध्यान से उतरने के चक्कर में गुजरने वालों की तोज्जा इस तरफ मबजूल होने का ख़तरा कम था ओके फिर मिलेंगे मैम निकलता हूँ बरूच उन सब से इजाज़त लीदा उठ खड़ा हुआ कि उन सब का तो वहीं ठहरने का इरादा था मगर उसे सुबह ऑफिस भी जाना था चलो अल्लाह हाफ दानियाल से अलविदाई मुसाफिया करके अपना सेलफ़ोन उठाता वो जीने चढ़ने लगा पार्किंग में उसका ड्राइवर पहले से ही गाड़ी में मौजूद था उसको देखते ही सरद से उतर घूमता हुआ उसकी साइड आया और गाड़ी का पीछा दरवाज़ा वा कर दिया उसके बैठते ही दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी सड़क पर डाल दी सर घर जाना है ड्राइवर ने बैक व्यू मिरर से झांकते हुए दरियाफ्त किया अजबात में सर हिलाता वो जेब से फोन निकाल कर कोई नंबर मिलाने लगा गाड़ी सड़क पर दौड़ती अपनी मंजिल की जानब रवा दवा थी जब सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को देखकर ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया देखो क्या प्रॉब्लम है गाड़ी का शीशा नीचे करते ड्राइवर को हुक्म दिया तो वो ताबेदारी से उतर कर दूसरी गाड़ी की तरफ गया कुछ ही देर में वो जायज़ा लेकर वापस उसकी तरफ आया सर गाड़ी में कोई नहीं है ड्राइवर ने खिड़की पर झुकते इतला दी अच्छा चलो शायद लिफ्ट वगैरह ले लियो किसी से बरूज ने अखस करते उसे वापस आने को कहा लेकिन सर गाड़ी लॉक्ड है अगर कोई जाता तो दरवाज़ा तो लॉक करता ना ड्राइवर ने जाहिर किया बरूच का माता ठंका ये बात वाकई हजम नहीं हुई थी गाड़ी से उतर कर सड़क पार खड़ी गाड़ी के करीब आया वो का रस्सी से गाड़ी का जायज़ा ले रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो गलत था उसकी नज़र गाड़ी के पंक्चर टायर्स पर गई टायर पंक्चर हैं ये दोनों वो कदमों के बल जमीन पर उकड़ू बैठा हाथ से टायर पर दबाव डालकर देखने लगा सर दूसरी तरफ के भी पंक्चर हैं ड्राइवर दूसरी तरफ घूम नीचे झुकता बोला बरूज के खदशात पर यकीन की मोहर सब्त हो गई यकीन गाड़ी का मालिक किसी मुश्किल में था देखो अंदर कोई सामान है ड्राइवर से कहता वो फोन की टॉर्च ऑन किए अतराफ का जायजा लेने लगा। तभी जंगल से किसी की निस्वानी चीख गूंजी वो चौकन ना होता आवाज के ताकत में जंगल की सिम दौड़ा ड्राइवर भी दौड़कर गाड़ी से गन निकालता उसकी पैरवी में आगे बढ़ा था फलक ने जोर से अपने हाथ अपने मुंह पर जमाए अपनी चीखों का रिस्ता रुका हुआ था मैंने झूढ़ लिया यूसुफ ने पीछे से उसके बाल दबोचते एक झटके से उसे दरक की ओट से निकाला जबकि फलक की दिल खराश चीख पूरे जंगल में गूंजी थी खुदा के लिए मुझे छोड़ दो उसके शिकंजे में फड़फड़ाती अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़े अल्तजाया कह रही थी उसकी आहुजारी का यूसुफ पर कोई असर नहीं हुआ वहनुस उसके बाल अपनी मुट्ठी में भेजे उसको बेबस करने पर तुला था दूसरा हाथ जेब में डालकर उसने कोई डिबिया नुमाशाह बरामद की और उसका ढक्कन खोलकर फलक के नतों के पास फलक ने जोर से उसका हाथ झटक दिया वो डिबिया के जिसमें कोई नशा आवर चीज थी उसके हाथ से छूट कर जमीन पर गिर गई ये क्या किया उन्हें? ने तेज से उसे झंझोड़ा और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया वो उसके तमाचे शेर से लुढ़कती हुई जमीन पर गिरी उसका सर जमीन पर पड़े पत्थर से टकराया था सर से खून की धार बरामद हुई अंधेरे में वो बस कोई गीली शय अपने सर से बहती महसूस कर रही थी सर में उठती दर्द की शदीद लहर उस की गोप में सरायत कर गई थी धीरे धीरे वो कनू की में जाने लगी उसकी लबों से एक आखिरी सिस्की बरामद हुई और फिर हर शय पर सकू छा गया उठाने के लिए नीचे की जाने झुका जब अपने अकब से चंद फासले पर दौड़ते कदमों की आवाज पर वही एकदम चौंका कुछ ही दूर दरख्तों के दरमियान उभरती रोशनी पर वो खौफजदा होता एक नज़र बेसुत पड़ी फलक पर डालकर दूसरी तरफ को भागा कोई आ गया है गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी ब्लूटूथ पर दूसरे आज को कहता वो हवास सा जंगल से बाहर दौड़ रहा था जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी बरूज उस शख्स को भागते देख चुका था ड्राइवर ने भी उस शख्स को देखते दे, उस जाने फायर किया मगर वो बचता बचाता आगे निकल गया उसके पीछे जाओ ड्राइवर को उसके पीछे दौड़ाकर खुद उस जगह पर आया जहां वो शख्स झुका हुआ कुछ कर रहा था कि महज वो उसे नीचे से उठकर भागता हुआ ही देख पाया था टॉर्च की रोशनी में उसे सफ़ेद लिबास में एक वजूद ज़मीन पर गिरा नज़र आया शायद बल्कि यकीनन वो कोई लड़की ही थी जिसका चेहरा बालों में छुपा था और गर्दन एक जानब को ढकी हुई थी सर मैंने पकड़ने की कोशिश की पर वो फरार हो गया मर्डर केस लगता है सर ड्राइवर ने अपने फूले तनफस पर काबू पाते इजहार ख्याल किया ये पकड़ो बलूच ने अपना फ़ोन ड्राइवर को थमाया और एक हाथ से उस लड़की की कलाई थाम कर नब्स जांची जिंदा है बड़बड़ाते हुए उसकी गर्दन सीधी करके चेहरे से बाल हटाए, और फिर वो साखत हो गया नूरे उसके लब फड़फड़ाए वो एकदम ही सरासी माह उस पर झुका नूरे आँखें खोलो नूरे उसकी गाल थपथपाए थप मगर वो बेहोश थी सर आप जानते हैं न ड्राइवर ने, ने अचंभे से पूछा मगर बरूज ने कोई जवाब नहीं दिया वो बस उसके गाल थपथपा थप रहा था फलक को यहाँ वो भी ऐसी हालत में तस्वर भी नहीं कर सकता था ये लड़की भी कुछ वक्त पहले उसके सामने बैठी थी और अब इस अब हालत में यहां भी मदद कार पड़ी थी लहाजा भर में सब कुछ बदल गया था जवाब ना पाकर ड्राइवर खामोश हो गया मगर बरूज के अंदाज से हो परेशानी वे करी उसके खदशे पर मोहरे जब्त कर गई जब ही बरूज की नजर उसकी सर पर लगी चोट की जानब गई जहाँ से खून बह रहा था उसकी चंद लटें खून से तर उसके चेहरे पर चिपकी थीं ये जख्मी है इसे हॉस्पिटल लेकर चला होगा जल्दी करो उसे अपनी बाहों में उठाता वो बरकरोश से गाड़ी की जानब बढ़ा ड्राइवर ने पिछला दरवाज़ा खोल दिया वो एहतियात से उसको पिछली सीट पर डालता उसके सर पर अपना रुमाल बांधने लगा ताकि ज़्यादा खून ना बहे फिर जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी आगे दौड़ा दी ड्राइवर साथ बैठा गाहे बगाे उसके लब भेचे लब और चेहरे से झलकती परेशानी देख रहा था एक प्राइवेट अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी रोककर वो उसे बाज़ों में उठाए इमरजेंसी की जानब दौड़ा ये जख्मी है फौरन अपने डॉक्टर को बुलाओ उसे स्ट्रेचर पर लेटा कर उसकी तरफ दौड़ कर आती नर्स को मुखातिब किया तो वो वहीं से सर हिलाती वापस दौड़ गई प्लीज लेट मी चेक डॉक्टर ने करीब आते उसे एक जानब हटाकर उसकी चोट का मुआयना किया इसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाएं मैं आ रहा हूँ पास खड़ी नर्स फौरन उसका स्ट्रेचर धकेलती वार्ड में ले गई वो वहीं बेदमसा होकर दीवार के साथ नस कुर्सी पर बैठ गया दिल को धड़का सा लग गया था या अल्लाह उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो हु। अपने सर को हाथों में गिराए वो मुतफ़िर सा इंतज़ार करने लगा जी फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है आपको रमशा मुख्तार के नावल खालिफ सीख की ये एपिसोड पसंद आई होगी इनशाला बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ